नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, बीजेपी ने आज पश्चिम यूपी से धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है और इस समय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना पहुंच गए हैं। तस्वीर आपके सामने, अमित शाह कैराना में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर में अमित शाह यहां पलायन पीड़ितों से भी मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि यहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है। पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पवन, अमित शाह को अपने बीच देखकर लोगों ने भी यहां नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, अमित शाह कैराना पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बाजार की तस्वीरें दिखा दें। इसी बाजार में साधु स्वीट्स के यहां पहुंचने वाले हैं। साधु स्वीट्स वो जो परिवार पलायन करके चला गया था लेकिन कानून व्यवस्था सुधरी तो वापस आया है। इसी बाजार से होते हुए अमित शाह पैदल यहां तक आएंगे और यहां लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। सात ऐसे परिवार हैं जिनसे अमित शाह को मुलाकात करनी है। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को हमने दुरुस्त किया है और अमित शाह का आज कैराना में आना इस बात की तस्दीक करता है कि उनकी सबसे बड़ी गवाही कैराना में है, क्योंकि परिवार जो कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के चलते छोड़कर गए थे वो वापस आए हैं। इतना भरोसा अगर वो व्यापारियों में या यहाँ कैराना के निवासियों में जगाने में कामयाब रहे हैं तो सबसे बड़ी टेस्टिमनी यही है। और अमित शाह का आज कैराना में आना इस बात का संकेत है कि बीजेपी के लिए कानून व्यवस्था का जो वादा किया था वो वादा उन्होंने धरातल पर डिलीवर किया है, पहुंचाया है। और सबसे बड़ी गवाही कैराना में मौजूद है और अमित शाह का यहाँ आना सीधा संकेत है कि बीजेपी कानून व्यवस्था मेंटेन करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, तमगा मानती है, और उसी के तहत आज अमित शाह यहाँ पहुँच रहे हैं। दो कदम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सामने साधु स्वीट्स है। इस परिवार से मिलने के लिए सबसे पहले अमित शाह यहाँ आएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं, पुलिस का इंतजाम है और आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और अब अमित शाह जी यहाँ किसी भी क्षण पहुँच सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी के चुनावी मुद्दों में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अमित शाह का आना इस बात की गवाही। और इस बारे में आपसे और बातचीत करूं उससे पहले एक बार फिर से बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप कैराना से देख रहे हैं जहां डोर टू डोर कैंपेन के तहत अमित शाह इस बीच लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हालात को देखते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है और वर्चुअल रैलीज की जा सकती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ जहाँ से अमित शाह गुजर रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रही है। और जिस तरीके से पलायन के मुद्दे की बातचीत की जा रही है, यूपी की सियासत में अमित शाह की कैराना में मौजूदगी के मायने क्या हैं, पवन इस बारे में हमसे बातचीत कर रहे थे। और पवन, जिस तरीके से इस पूरे मामले को यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, कह सकते हैं कि यूपी की सियासत का रुख मोड़ने का एक बड़ा प्रयास यहां पर अमित शाह की तरफ से। जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अक्सर समाजवादी पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान उठते थे। पलायन का मुद्दा यहाँ के पूर्व सांसद हुकुम सिंह ने उठाया था, जिसके बाद कैराना पलायन के पोस्टर के तौर पर यहाँ उभरा था। बहुत से राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है, लेकिन हकीकत ये है कि कैराना की कानून व्यवस्था को लेकर जो व्यापारी विस्थापित हुए थे या कैराना छोड़कर चले गए थे वो वापस आए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनावों की तारीख की घोषणा हुई उससे पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचे थे और अब अमित शाह यहाँ पहुँचे हैं। सीधा है, बीजेपी अपने मतदाताओं को ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है, जताना चाहती है कि देखिए आपने कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए बीजेपी को जो जिम्मेदारी सौंपी थी बीजेपी ने वो जिम्मेदारी निभाई है और कैराना में अब सब सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं, उस नीति का सबसे बड़ा कोई पोस्टर अगर है तो कैराना है। कैराना पलायन का पोस्टर बना था लेकिन अब कैराना कानून व्यवस्था का पोस्टर बनाना चाह रही है बीजेपी और पूरे यूपी में प्रदर्शित करना चाहती है कि देखिए हमने कैराना की कानून व्यवस्था को सुधारा, लोगों में भरोसा आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप लोगों 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट देना, सुबह सुबह ही वोट देना।
प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सीधा मतलब है बड़े स्तर पर संदेश देने की कोशिश है कि जो हमने वादा किया उसको डिलीवर किया, आगे जो वादा करेंगे वो भी डिलीवर करेंगे। तो हालांकि डोर टू डोर कैंपेन के तहत हम पवन ये जरूर देख रहे हैं कि लोगों से सीधा संवाद हो रहा है अमित शाह का। बिल्कुल बिल्कुल, जब अब आज से कहा जा सकता है कि माहौल में बारिश हो रही है, ठंडक है, लेकिन चुनाव की असल गर्मी आज कैराना में महसूस की जा सकती है। क्योंकि कोरोना है, बड़े स्तर पर रैलियां नहीं हो सकती, बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं हो सकते। डोर टू डोर अमित शाह जा रहे हैं और पवन मैं आपको रोकना भी चाहूंगी, क्या बातचीत हुई ये भी हम सुनने की कोशिश करते हैं। दस तारीख को सुबह के निशान पर वोट देना, सुबह सुबह ही वोट देना। तो डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है और अमित शाह जहां जहां लोगों के बीच हैं वहां लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, समस्याएं भी बता रहे हैं। और इस बीच हमने सुना किस तरह से अमित शाह ने एक आईडी भी दिया, एक जीमेल आईडी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी बात मेरे को ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं और इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। तो डोर टू डोर कैंपेन के तहत जहां जहां से अमित शाह गुजर रहे हैं वहां लोगों के दरवाजे पर रुक कर उनसे ये कह रहे हैं कि उन्हें वोटिंग तो करनी ही है और साथ ही लोगों के जरिए जो संवाद यहाँ पर हम सुन रहे हैं उसमें लोग अपनी समस्याएं या कुछ बातें अमित शाह के सामने रख रहे हैं जिसको लेकर उनकी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। और ये भी बोला गया कि एक ईमेल आईडी उन्होंने अभी हमने सुना बताई जिसमें उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने ये मुद्दा ईमेल के जरिए जरूर रखिएगा। तो अब हम देख रहे हैं कैराना में इस वक्त अमित शाह मौजूद है, पवन नारा हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे हालांकि यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, फूल अमित शाह के ऊपर बरसाए जा रहे हैं, कुछ लोगों से उनकी बातचीत हो रही है, सुनते हैं। जहां से अमित शाह गुजर रहे हैं लोगों की लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, ये कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है बल्कि आम जनता है जो उस इलाके में जो उस जगह पर रहती है वो वहीं पर अमित शाह के नजदीक आकर सेल्फी ले रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। हालांकि यहां पर पूरी तरीके से जैसे ही अमित शाह यहां पहुंचे प्रोटोकॉल का पालन किया गया, लोगों की ज्यादा भीड़ उनके साथ नहीं थी बल्कि सिर्फ सिक्योरिटी है। और डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह इस वक्त यहां पर कर रहे हैं और इस डोर टू डोर प्रचार में अमित शाह जहां जहां जा रहे हैं लोगों की भीड़ यानी जो लोग यहां पर रहते हैं इन गलियों में रहते हैं वही उनके पास आकर सेल्फी ले रहे हैं और उनके ऊपर फूल भी बरसा रहे हैं। कैराना से ही ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।